हेलो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एम पी शर्मा। सीरीज के इस पार्ट में समझ रहे हैं अपन आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, और इसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में समझा अपन ने कि किस तरह से इसकी खोज हुई। संक्षिप्त रूप से दोहराता हूं मैं इसको। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की। रिसेस मंकी, लाल मुंह के बंदर में यह खोजा गया। लाल मुंह के बंदर की आरबीसी पर एक खास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहा गया, एंटीजन आरएच। आरएच शब्द लिया गया इस रिसर्च से, आरएच शब्द लिया गया। ये ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन लगभग 90% मनुष्यों की आरबीसी पर भी होता है, और जिन लोगों की आरबीसी पर यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है उनको आरएच पॉजिटिव कहा गया, और शेष लगभग 10% लोगों के ये एंटीजन नहीं पाया जाता, उनकी आरबीसी पर एंटीजन नहीं होता और उनको आरएच नेगेटिव कहा गया। इस प्रकार इस ब्लड ग्रुप के अनुसार या तो व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होता है या आरएच नेगेटिव होता है, और सारी दुनिया में लगभग 90% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और शेष 10% लोग आरएच नेगेटिव हैं। इम्यून सिस्टम की तरह से ही इस ब्लड ग्रुप का भी ब्लड चढ़ाने में बहुत महत्व है। तो पहले तो बात करते हैं अपन की ब्लड चढ़ाने में इस एंटीजन का क्या महत्व है, और फिर बाद में अपन समझेंगे कि सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों ब्लड ग्रुप्स को मिलाकर कौन से हैं और क्यों हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जन्म से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति है कोई, उसके अंदर इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनने को प्रेरित भी नहीं किया जा सकता, यानी आरएच पॉजिटिव व्यक्ति में कभी भी इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब तीसरी बात, किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ा दे, तो रक्त चढ़ाया इसका मतलब आरबीसी गई, आरबीसी गई इसका मतलब उसमें एंटीजन प्रवेश कर गया, यानी आरएच नेगेटिव व्यक्ति में आरएच एंटीजन एंटर कर गया। और अपन जानते हैं एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडी बनने को प्रेरित करता है। लेकिन टीकाकरण का एक सामान्य सिद्धांत है, पहली बार में जब एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडी बनने की दर तीव्र नहीं होती, वो सिद्धांत यहां भी लागू होता है। इस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने की दर धीमी होती है, और अपन ये भी जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है अधिकतम। इसका मतलब दाता की आरबीसी ग्राही के रक्त में अधिकतम 120 दिन जिंदा रहेंगी, और इस समय में ग्राही के शरीर में एंटीबॉडी इतनी कम दर से बन रही है कि वो प्रभावकारी नहीं हो पाएंगी, यानी प्रभावकारी हो उससे पहले ही दाता की आरबीसी समाप्त हो जाएंगी, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए दाता की आरबीसी का क्लंपिंग नहीं होगा, उनका समूहीकरण नहीं होगा, इसलिए ग्राही को कोई हानि नहीं होगी, जिसको अपन ने आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ाया है उसकी हानि नहीं होगी। लेकिन इस व्यक्ति को दोबारा आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया तो फिर से एंटीजन एंटर करा दिया, और अब की बार एंटीबॉडी बनने की दर तीव्र होगी क्योंकि टीकाकरण का सामान्य सिद्धांत है, और अब की बार इतनी तीव्र होगी कि थोड़े समय में ही एंटीबॉडी सांद्रता के उस स्तर में आ जाएंगी जिसमें वो काम करती है, और ऐसी स्थिति में आते ही दाता की आरबीसी की क्लंपिंग होनी शुरू हो जाएगी, उनका समूह बनना शुरू हो जाएगा, तो जगह जगह पर क्लंप बन जाएंगे, क्लॉट बन जाएंगे, और ये क्लॉट कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगे और ग्राही की मृत्यु कर देंगे। तो थोड़े समय बाद में ग्राही की मृत्यु होगी, वो तो अच्छा भला था और ग्राही की मृत्यु होगी। कारण क्या रहा? कारण रहा दूसरी बार उसको आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त नहीं चढ़ा सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दो सिस्टम्स महत्वपूर्ण है, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम के अनुसार ये चार ग्रुप है, ए बी, ए बी और ओ, और आरएच सिस्टम के अनुसार दो ही ग्रुप है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन दोनों को जोड़ देते हैं तो आठ ग्रुप बन जाते हैं। ए दो तरह के हो गए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बी भी दो तरह के हो गए, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए बी भी दो तरह के हो गए, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ओ भी दो तरह के हो गए, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपन ने ये समझ लिया अभी कि कोई भी आरएच पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता किसी भी आरएच नेगेटिव को, आरएच पॉजिटिव का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता आरएच नेगेटिव को, और अपन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी आरएच नेगेटिव ब्लड नहीं ले सकता है किसी भी आरएच पॉजिटिव का।
तो दोनों को मिलाकर कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। पहले अपन डोनर की बात करते हैं। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा था अपन ने एबीओ सिस्टम में, और अपन ने यह भी समझा था ये रक्त देने वाले का, दाता का, डोनर का क्या देखते हैं अपन, उनका एंटीजन देखते हैं। और ओ इसलिए डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, कि उसके अंदर एंटीजन नहीं होता। अब यहां देखते हैं तो इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीजन नहीं है। आरएच सिस्टम का एंटीजन ओ पॉजिटिव में है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता ओ नेगेटिव को, तो ओ वाला ये ओ वाला इस ओ वाले को ब्लड नहीं दे सकता, इसलिए ये तो यूनिवर्सल डोनर हो ही नहीं सकता। कौन दे सकता है? नेगेटिव दे सकता है। ओ नेगेटिव व्यक्ति इन सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ पॉजिटिव व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, ओ नेगेटिव व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है। अब अपन रेसिपिएंट की बात करें, एबीओ सिस्टम में हमने समझा था कि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। अब ये दो तरह का हो गया, तो इन दोनों में से कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही कौन सा है? तो यहां पर ये पॉजिटिव व्यक्ति इसमें नहीं बन सकती है एंटीबॉडी, एबीओ सिस्टम की होती नहीं है, इसमें आरएच एंटीजन है, इसलिए एंटीबॉडी इसमें नहीं हो सकती है, जबकि इसमें एंटीबॉडी बन सकती है। इसमें यदि आरएच एंटीजन आ जाए तो आरएच एंटीबॉडी बन सकती है, इसलिए ये तो नहीं ले सकता ब्लड, ए बी नेगेटिव नहीं ले सकता ब्लड ए बी पॉजिटिव का, तो ये सर्वग्राही नहीं होगा, ये ले सकता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव इन सब का ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए है कि एबीओ सिस्टम की एंटीबॉडी इसमें होती नहीं है और आरएच सिस्टम की एंटीबॉडी इसमें बनाई नहीं जा सकती, एबी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आरएच सिस्टम के तीसरे पार्ट में, उसमें हम पन समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस। तब तक के लिए बाय।